नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहां बने प्राचीन मंदिरों का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है। मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ समृद्ध धार्मिक विरासत के भी प्रतीक हैं। प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों में कई रहस्यमयी खजाने जैसे कि सोने, हीरे, जवाहरातों से भरे पड़े हैं। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बहुत हानि पहुंचाई, लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो बेहद अमीर हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और इसके बाद मन्नत पूरी हो जाने पर मंदिरों में अपने हिसाब से रुपए, सोना, चांदी आदि का दान करते हैं। यहाँ के मंदिरों में हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। तो आइए जानते हैं भारत के 5 अमीर मंदिरों में कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में सबसे पहला स्थान केरल में त्रिवेंद्रम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का आता है। मंदिर में स्थापित महाविष्णु भगवान की मूर्ति भी सोने से बनी हुई है। मूर्ति की अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए है। तो वही मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने, सोने से निर्मित मूर्तियां भी शामिल हैं। ये मंदिर तब चर्चा में आया जब मंदिर के 6 दरवाजे खोले गए तो यहाँ से करीब $20 अरब का खजाना निकला था, जिसमें सोने, हीरे और बहुमूल्य गहने मिले। यहाँ सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आता है। इसके बाद नंबर है तिरुपति बालाजी मंदिर का। देश के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है। यहाँ श्री वेंकटेश्वर भगवान विराजित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। हाल ही में मंदिर प्रबंधन ने कहा था कि तिरुपति बालाजी मंदिर का करीब 5,300 करोड़ रुपए का 10.3 टन सोना और 15,938 करोड़ रुपए कैश बैंकों में जमा है। इस तरह से इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए दान में आते हैं। फिर बारी आती है शिरडी साईं बाबा मंदिर की। महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भक्त विदेशी मुद्रा के साथ साथ सोने, चांदी, हीरे का दान करते हैं। मंदिर के बैंक खाते में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी और डॉलर और पाउंड जैसे विदेशी मुद्राओं के रूप में बड़ी मात्रा में धन के साथ साथ लगभग 1800 करोड़ रुपए जमा है। यहाँ हर साल 480 करोड़ रुपए का दान आता है। अब बात करते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर की। भारत के जम्मू में स्थित मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ मंदिरों में से एक वैष्णो देवी मंदिर की गिनती भारत के धनी मंदिरों में होती है। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ रुपए की आय होती है, जो इसे देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक बनाती है। फिर बात करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर की। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। यहाँ बॉलीवुड के मशहूर हस्तियों से लेकर बिजनेस टाइकून तक दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में 3.7 किलोग्राम सोने की कोटिंग है। मंदिर को दान और चढ़ावे से सालाना करीब 125 करोड़ रुपए की आय होती है। मीनाक्षी मंदिर की अब बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर देश के उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां पर रोज 20,000 से 30,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर परिसर में करीब 33,000 मूर्तियां हैं। मुख्य मूर्ति देवी मीनाक्षी की है, जो भगवान सुंदरेश्वर यानी कि भगवान शिव की पत्नी है। मंदिर की सालाना कमाई करीब 6 करोड़ रुपए है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर हमें बताएं कमेंट करके। नमस्कार।